1.2 बीगल का सफर और डार्विन का अनुभव। एक्सपीरियंस ऑफ डार्विन एंड जर्नी ऑफ बीगल। बचपन से ही डार्विन प्राकृतिक परिघटनाओं एवं प्राणियों के आवास, व्यवहार आदि के संबंध में रुचि रखते थे और अपने आसपास के इनके विषय में जानकारी जुटाने में लगे रहते थे। उन्होंने आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व जीवों की विविधता एवं उस पर प्रकृति के प्रभाव से संबंधित जो अध्ययन किए, उससे वैज्ञानिक तथा सामाजिक सोच में व्यापक परिवर्तन आया। सन 1831 में डार्विन को इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका होते हुए पृथ्वी के कई महाद्वीपों की सैर करने का मौका मिला। डार्विन को कप्तान के साथी के रूप में HMS बीगल नामक जहाज में अन्वेषी यात्रा करनी थी, जिसमें नक्शा तैयार करना, इलाकों की खनिज संपदा और जैव विविधता का अध्ययन इत्यादि करना था। जहाज में रहने, अध्ययन करने के कक्ष के अलावा एक अच्छा पुस्तकालय भी था। बीगल का सफर 27 दिसंबर 1831 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 1836 में खत्म हुआ।